हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील श्रेष्ठ आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स, हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आर्टिकल 13। जैसे कि आप सबको पता है, आर्टिकल 13 पार्ट थर्ड मूल अधिकारों का एक भाग है। और 12 में जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, उसमें राज्य की परिभाषा है। 13 एक लिमिटेशन लगाता है, एक मर्यादा स्थापित करता है विधान लेजिस्लेचर के ऊपर, राज्य के ऊपर। जो 12 का जो राज्य आपने पढ़ रखा है अनुच्छेद 12 में, राज्य का क्या मतलब है, जिसमें संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और स्थानीय प्राधिकारी के साथ साथ अन्य प्राधिकारी आते हैं, जिसका डिस्कशन अनुच्छेद 12 वाले वीडियो लेक्चर में हो चुका है। तो अनुच्छेद 12 वाले राज्य पर अनुच्छेद 13 कुछ मर्यादाएं, लिमिटेशंस आरोपित करता है, इम्पोज्ड करता है। जैसा कि हम सबको पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लिमिटेशन इम्पोज कर रहे हैं लेजिस्लेचर के ऊपर, डेलीगेटेड पावर के ऊपर, प्रत्यायोजित विधान के ऊपर, एज वेल एज वो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका पर भी मर्यादा आरोपित कर रहे हैं। तो ये मर्यादाएं क्या क्या होंगी, कैसे होंगी, उन्हीं मर्यादाओं के बारे में अनुच्छेद 13 वर्णन करता है कि किस तरीके से राज्य के ऊपर लिमिटेशन इम्पोज किया जाए, चाहे वो प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो गवर्नर के ऑर्डिनेंस हो, चाहे कोई इनैक्टमेंट हो, चाहे कोई भारतीय समाज में रूढ़ियाँ हों, इन सब की व्याख्या अनुच्छेद 13 के अधीन होती है। और राज्य अगर वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को तो क्या होगा, वो जो लॉज हैं, इनेक्टमेंट हैं, जो कस्टम है, जो यूसेज है, वो कैंसिल होंगे कि कैरी ऑन होंगे, इन सब के बातों से संबंधित है अनुच्छेद 13। देखिए, अनुच्छेद 13 में एक चीज वेस्टेड है, वो है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ये इम्प्लायड है, निहित है अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 226 में, 227 में। इस तरीके से हम देखेंगे कि जो मूल अधिकार है उसमें अनुच्छेद 13 जुडिशियल रिव्यू को भी रिलेट करता है कैसे। तो चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अंतर्गत ये है कि अगर कोई स्टेट लॉ बनाता है और वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो जाए या इन डेरोगेशन में हो जाए, अल्पीकरण करें, तो उन विधियों का क्या होगा, इसके बारे में जो आर्टिकल 13 है वो कहता है। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले का मतलब 26 जनवरी 1950, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो सभी विधियां जो इन्फोर्स हैं, प्रवृत्त हैं, जो लागू हैं, यहाँ प्रवृत्त का मतलब जो लागू हैं, अप्लीकेबल हैं, टू द एक्सटेंट, उस मात्रा तक शून्य होंगी जिन तक वे इस भाग के उस उपबंधों से असंगत हैं। इसका मतलब अगर संविधान के प्रारंभ से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले कोई लॉ बना था और आज भी वो अप्लीकेबल है, एग्जीक्यूशन में है, प्रवृत्त है, तो वह सभी विधियाँ अगर फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हैं तो वो वॉयड होंगी, शून्य होंगी। अब इसी के बारे में हम दो पार्ट करके पढ़ते हैं। जैसा कि अनुच्छेद 13 कहता है, संविधान पूर्व की विधि और संविधान पश्चात विधि, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इसका मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले बने हुए लॉ। आर्टिकल 13 के अनुसार भारतीय संविधान लागू होने से ठीक पूर्व भारत में लागू सभी विधियां, जितने भी लॉ हैं, अगर पार्ट थर्ड के प्रोविजन फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो शून्य होगी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। इसका मतलब 13(1) वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड है। यदि संविधान पहले की कोई विधि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती है तो वे संविधान के प्रारंभ तक, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले तक, वो विधिमान्य है, उसकी लीगैलिटी है, वो इन्फोर्सिएबल है, लेकिन उसके पश्चात वो इन्फोर्सिएबल नहीं है। अर्थात जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं
उनका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है 26 जनवरी 1950 के पश्चात, यदि वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हैं, असंगत हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे। यदि संगत हैं, फंडामेंटल राइट्स के अनुसार हैं, तो कैरी ऑन होंगे। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट, ग्रहण का सिद्धांत क्या है। इक्लिप्स प्रिंसिपल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, 26 जनवरी 1950 से पूर्व की जो भी विधियां थी, जो इनैक्ट की गई थी, वो अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी करती हैं तो 26 जनवरी 1950 के पहले तक वो ठीक हैं, लेकिन उसके बाद उस पर शैडो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पड़ जाता है, शैडो ऑफ फंडामेंटल राइट्स पड़ जाता है। और जितना पार्ट इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, जितना एक्सटेंट इनकंसिस्टेंट है, वहाँ वो जीरो या शून्य होती है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है वो केवल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर लागू होता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर लागू नहीं होता। इसके बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आर्टिकल 13(2) पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड है। आप समझिएगा, आर्टिकल 13 सब क्लास 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड है। यहाँ कहता है राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। राज्य का मतलब आर्टिकल 12 का राज्य, जिसके बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है, और आप आर्टिकल 12 से रिलेटेड वीडियो देखें यहाँ, जहाँ राज्य की डिफिनीशन है। तो राज्य अनुच्छेद 12 वाला राज्य, जिसमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव भी शामिल है, स्टेट एग्जीक्यूटिव भी शामिल है, सेंट्रल लेजिस्लेचर भी शामिल है, स्टेट लेजिस्लेचर भी शामिल है, लोकल बॉडीज भी शामिल हैं, अदर अथॉरिटीज़ भी शामिल हैं। तो राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को छीनती हैं या न्यून करती हैं। यदि राज्य ने ऐसी विधि बना ली तो वो संविधान के प्रारंभ से ही जीरो मानी जाएगी, मतलब 26 जनवरी 1950 से ही वो शून्य मानी जाएगी। इस तरह से आपने देखा, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कहता है कि संविधान के प्रारंभ से शून्य मानी जाएंगी, और प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कहता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले वैलिड, और उसके बाद अगर इनकंसिस्टेंट है तो इनवैलिड मानी जाएंगी। लेकिन बात यहाँ होती है कि अगर कोई लॉ है, कोई विधि है, उसका कोई पार्ट है, उसका कोई खंड है जो इनकंसिस्टेंट है या वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स का, तो वो पार्ट भी क्या हो जाएगा, समाप्त माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत का मतलब है इफ देयर इज ए कंप्लीट लॉ एंड पार्ट ऑफ द लॉ वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, तो हम उसको दो पार्ट में बांटेंगे, विधि के कौन से भाग फंडामेंटल राइट्स से कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट पार्ट और इनकंसिस्टेंट पार्ट को जब हम बांटते हैं तो उसी को कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई भी लॉ अगर स्टेट इनैक्ट करे, उसमें लॉ का जो पार्ट फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट है और जो पार्ट फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, जो संगत है जो असंगत है, उसको बांटना ही पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है। और इनकंसिस्टेंट पार्ट पूरी तरह से क्या होगा, शून्य होगा। अगर टोटल लॉ फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है तो टोटल लॉ ही वो शून्य हो जाएगा। भीखा जी बनाम मध्य प्रदेश मुकदमे में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के प्रिंसिपल को लागू किया, और इसके अनुसार आप जानते ही हैं कि जो भी इनकंसिस्टेंट होगा, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो चाहे वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो, वो दोनों जीरो हो जाएंगी, दोनों वाइड हो जाएंगी। लेकिन अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तो उस पर फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाता है, शैडो हो जाता है, और वो लॉ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हिबरनेशन सुसुप्तावस्था में चला जाता है, और हिबरनेशन हटते ही फिर से लागू हो जाता है। यही 13(2) पीछे डिफाइन किया गया है, अब आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। राज्य का मतलब अनुच्छेद 12 वाला राज्य, कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो प्रदत्त अधिकारों को छीनती या न्यून करती हैं, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, अभी यही डिफाइन किया गया। अब आप देखिए 13 का थर्ड, अनुच्छेद 13 का थर्ड कहता है कि इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, 13 का थर्ड,
विधि के अंतर्गत, जो हम विधि बोल रहे हैं ला, ला के अंतर्गत क्या होगा। यहाँ ला को जानबूझकर एक एलेबोरेटिव कंसर्न दिया गया है, एक व्यापक परिप्रेक्ष्य दिया गया है इसमें। देखिए, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, तो विधि को डिफाइन करते हुए कहता है विधि का बल रखने वाला, जो विधि का बल रखता हो, जो फोर्स ऑफ लॉ रखता हो, चाहे वो कोई कस्टम हो, ट्रेडिशन हो, असेज हो, नोटिफिकेशन हो, रूल्स हो, रेगुलेशन हो, लॉज हो, बायलॉज हो, ऑर्डर हो, या फिर ऑर्डिनेंस ही क्यों ना हो। इसका मतलब विधि के अंतर्गत विधि का बल रखने वाला लेजिस्लेटिव लॉ भी हो सकता है, ऑर्डिनेंस भी हो सकता है, आदेश भी हो सकता है, सब लॉज बायलॉज। इसका मतलब विधि की परिभाषा को काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। जैसे अगर हमारे समाज में कोई प्रथा जो समाज के दृष्टिकोण से या मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, अभी भी चल रही है, तो वो प्रथा 26 जनवरी 1950 के बाद क्या हो जाएगी? फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होगी और उसे कैंसिल माना जाएगा। जैसे भ्रूण हत्या एक सामाजिक बुराई थी, लड़कियों को मार दिया जाता था, या नरबलि प्रथा या सती प्रथा। अब अगर इस तरीके से कोई भी प्रथा या रूढ़ी या परंपरा जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती हैं अगर समाज में प्रचलित हैं, तो वो विधि के अंतर्गत आएंगी और फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट होने के कारण वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगी। इसलिए विधि शब्द की बहुत व्यापक व्याख्या की गई है। लाइन फोर्स का मतलब क्या होता है? प्रवृत्त विधि। मान लीजिए कोई इनैक्टमेंट, कोई ला, ला मेकिंग एजेंसी ने बनाया लेकिन उसे लागू नहीं किया, तो वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि विधि जब तक लागू नहीं होगी तब तक उसका प्रभाव नहीं आएगा। तो विधि बनाने मात्र से वो कैंसिल नहीं हो जाएगी, उसको लाइन फोर्स होना जरूरी है, उसका एग्जीक्यूशन, उस ला का एग्जीक्यूशन या उसे प्रवृत्त होना जरूरी है। तो प्रवृत्त विधि का मतलब है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी लेजिस्लेचर द्वारा या सक्षम अथॉरिटी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले बनाई गई विधि है। मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले बनाई गई विधि है। अगर उन्हें रिपील कर दिया गया तो वो तो समाप्त हो गई, अगर रिपील नहीं किया गया तो चाहे वो प्रवर्तन में नहीं है, एग्जीक्यूशन में नहीं है, फिर भी लाइन फोर्स मानी जाएंगी, और अगर फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो वो कैंसिल मानी जाएंगी। मूल अधिकारों से प्रवृत्त विधि अगर असंगत होती है तो वो कैंसिल मानी जाएगी, क्योंकि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रारंभ से ही कैंसिल माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। अब 13th का सब क्लास 4 ये कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन इस संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। इसका मतलब अब हम पढ़ने जा रहे हैं अमेंडेबिलिटी इन फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों की संशोधनीयता। ये जो सब क्लास 4 था 13 का, वो 24वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया, और इसके बारे में अमेंडेबिलिटी इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने एक अलग से लेक्चर तैयार किया है, लैंडमार्क डिसीजंस, जहां आप शंकरी प्रसाद, सज्जन कुमार, केशवानंद भारती, 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ सकते हैं। तो आप 13 सब क्लास 4 की व्याख्या के लिए लैंडमार्क डिसीजन वाला वीडियो देखें, तब आपके समझ में आएगा कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इन नटसेल में आपको बता दूं कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, वर्तमान कंडीशन ये है, पार्लियामेंट मूल अधिकारों में 368 की शक्ति लेके संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं कर सकती है। इसको डिटेल समझने के लिए हमारा लैंडमार्क डिसीजन वाला आप लेक्चर देखें। आपने देखा आर्टिकल 13 में किस तरीके से स्टेट के ऊपर लिमिटेशंस लगाई गई हैं, और साथ साथ लॉज को भी डिफाइन किया गया है कि विधियों का क्या मतलब है, और इतना ही नहीं, इसके साथ इसमें ये भी डाला गया है कि राज्य अगर ऐसी विधि बनाता है तो क्या होगा, और इसमें कुछ सिद्धांत नीत हैं जिससे
पृथक्करण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, इन सबको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना आप भूलें। और फेसबुक, टेलीग्राम के साथ साथ हम ट्विटर पर भी हैं, वहाँ भी आप कमेंट करें ताकि हम स्तरीय वीडियो आपको बना के दे पाएँ। इन सबके साथ धन्यवाद।